आएगा तो योगी बीजेपी की सरकार आएगी। अखिलेश यादव तो बोलते थे ना, उनका नारा था कि काम बोलता है। नहीं, काम तो बोलता है, लेकिन इनका काम बोल रहा है, योगी जी का काम बोल रहा है। आज से करीब 70 साल पहले थे, वो सारे ही मुद्दे सॉल्व कर दिए। सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी है इनके राज में। यहाँ पे काफी सारे लोग हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ओपिनियन है, क्या लगता है कि कौन आएगा, किसकी सरकार बनने वाली है, तो 10 फरवरी को किसको वोट देंगे। योगी मोदी सरकार से क्या आप खुश हैं या चाहते हैं कि आप तख्ता पलटें? बिल्कुल खुश हैं, योगी सरकार से बिल्कुल खुश हैं। क्यों खुश है, ऐसा क्या किया उन्होंने? बहुत ही अच्छा काम उसका काम रहा हर क्षेत्र में। जैसे कि क्या किया? मतलब सेफ्टी के हिसाब से भी, सड़क वगैरह, मतलब हर क्षेत्र में ही उसका मतलब विकास उसका अच्छा हुआ मोदी। आप क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट करने वाले हैं? क्या आप सरकार से खुश हैं या फिर आप बदलाव चाहते हैं? नहीं नहीं, बदलाव नहीं चाहते हम, सरकार से खुश हैं। डबल इंजन सरकार आपको पसंद है, योगी मोदी सरकार? यस यस यस। क्या अच्छा लगा है, सबसे अच्छा क्या किया है योगी मोदी सरकार? सबसे अच्छा तो ये लगा, जो जितने भी मुद्दे थे जो आज से करीब 70 साल पहले थे, वो सारे ही मुद्दे सॉल्व कर दिए। वो जो मुद्दे हैं वो सब आप लोगों को भी पता है, हमको भी पता है। जैसे 370 है, और ये 3 तलाक है, अयोध्या मंदिर है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सारे साफ कर दिए। अब कोई मतलब कोई मुद्दा बचा नहीं जो पुराने मुद्दे थे किसी सरकार में। विपक्ष को आप कैसे लेके चल रहे हैं? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव या मायावती जी टक्कर दे सकती हैं योगी सरकार? नहीं, नहीं दे सकती। ऐसा क्यों लगता है आपको? तो ये तो RLD तो चल रही है जातिवाद के बेस पर। मुलायम सिंह का बेटा जो, वो क्या नाम है इसका, अखिलेश, बाकी जो इसके काम है ना, उससे सब जनता खुश है। जातिवाद में नहीं जाना चाहती, काम उसने किया योगी जी ने, उसी काम के ऊपर वोट देंगे विकास के नाम पे। हर जिले में इन्होंने एम्स बनवाया, मेडिकल इंस्टीट्यूट, और फेरीवेल बनवाए, वो ठीक है, चाहे उन्होंने उद्घाटन किया हो, लेकिन काम तो पूरा कर दिया। राहुल के टाइम में पत्थर लगा गए, हुआ ही नहीं कुछ, कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास में, वो तो गड्ढे में है पार्टी कांग्रेस तो। आज पंजाब में देखा, आज क्या हुआ, चढ़नी के सिवा कोई आया ही नहीं उसको फॉलो करने के लिए। सब योगी जी से खुश हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस बारे में? सरकार तो योगी जी की बननी है, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं, सभी खुश हैं। डबल इंजन सरकार से मतलब है कि योगी जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, और सेंटर में मोदी जी की सरकार है, ऐसे दोनों डबल इंजन काम तो हो रहा है। तो वही तो बात कह रहे हैं, हो रहा है काम, ये ऐसी सिर्फ हवाबाजी है। सबसे ज्यादा लोगों के जो ना, पब्लिक का सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी है इनके राज में, कोई कहीं जा रहा है कोई खतरा नहीं है। पहले जो है ना, रास्ते में लूट लेते थे, कहीं छेड़खानी होती थी, कहीं कुछ होता, ये सब तो बंद है। तो यही है कि योगी सही है। तो उनकी टक्कर में कोई और दिख रहा है आप? आगे पीछे कोई है नहीं, तो क्या लूट के मार के क्या करेंगे वो तो पब्लिक में लगा। और जिसके होगा कहेंगे मेरे भैया का है, मेरे बहन का है, मेरे दादा का है, इनके तो कोई नहीं। सड़कें पहले गड्ढा होते थे, देखो बढ़िया बढ़िया रोड निकले, चाहे जैसे चलो बैठ के वो कर लो, तो इससे अच्छा है योगी का सरकार बने, बढ़िया है। आप बताइए, क्या आप 10 फरवरी को भाजपा को वोट करेंगे, और अगर वोट करेंगे तो किस मुद्दे पे करेंगे? एक तो गुंडागर्दी खत्म है, वोट योगी जी की देनी है, सरकार मोदी और योगी को ही वोट जाएगी। और बाकी जो गुंडागर्दी के साथ साथ यहाँ पार्क में आते थे, यहाँ दुनिया भर का हा हल्ला, ये बाहर रोड पे चैन लुटेरे, ये वो, उन चीज़ों पर जो खत्म है वो, और डेवलपमेंट तो खैर हो ही रहा। सर, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आपको क्या सबसे अच्छा लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है और योगी जी ने जो किया है? ऑनेस्टी, ईमानदारी, सबसे बड़ी जो इनका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा ईमानदारी, कहीं भर्तियों में भी, इवन बिजली के बिल का सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। और देखिए, इन्होंने 370 हटा के मंदिर वाला इशू सॉल्व करा करके काफ़ी काम किया है। दूसरी बात, मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, योगी जी वहीं से आते हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ का जो भी है, मतलब अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से दो दशक बाद एक काम ऐसा हुआ है, वीर बहादुर सिंह के बाद योगी जी ने ही काम किया है पूर्वोत्तर का अगर देखा जाए। बाकी तो ये अखिलेश तो अपने उस टेन्योर में उधर का बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था।
अखिलेश यादव तो बोलते थे ना, उनका नारा था कि काम बोलता है। नहीं, काम तो बोलता है, लेकिन इनका काम बोल रहा है, योगी जी का काम बोल रहा है, और इधर मोदी जी का सहयोग, दोनों डबल इंजन जो आपने कहा है उसके वजह से काम काफ़ी बहुत फास्ट काम हुआ है डेवलपमेंट का। क्योंकि मैं तो अभी गोरखपुर से हो के आया हूँ, तो जो डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने बाहरी सड़कें बना करके शहर को इतना साफ सुथरा मेंटेन किया, इससे बहुत ही खुशी हुई। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी एमए वगैरह वहीं से, पूरा एजुकेशन मेरा वहीं से हुआ, तो जो अंतर देखा, बहुत ज़्यादा अंतर देखा मुझे। तो इसलिए हम लोग तो क्या, मतलब रूरल में भी उस पूर्वोत्तर से इनकी मेरे ख्याल से 90% सीटें आएंगी, उधर से जो है ईस्ट यूपी से तो काफ़ी इनका सपोर्ट है। आप बताइए कि आपको क्या पसंद है योगी सरकार में, क्या देख के आपको लगता है कि भाई योगी सरकार ही रहनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश को, तो क्या मानना है? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो योगी के टाइम पे जो काम हुआ ना यहाँ पे यूपी में, वो काफ़ी हाई लेवल पर, काफ़ी सभी फील्ड के अंदर जो है ना, बहुत काफ़ी आपने बात सुनी है सबकी, कि शिक्षा उसके हॉस्पिटलाइज के में रोड जो है ना, हाईवे हैं, और सबसे बड़ा जो है ये है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बहुत ही सेफ, मतलब आप कहीं भी निकल जाओ जो है ना, अब आपको कोई डर नहीं है। गलती से अखिलेश के शासन का ये अंदर देख लेना, ये किस तरह का जातिवाद का जो कर रहे हैं ना ये, उससे लोग इस अखिलेश मायावती इनसे सबसे खिलाफ है। आएगा तो योगी, बीजेपी की सरकार आएगी, उनके काम से सब लोग खुश हैं। आप बताइए सर, आपको क्या सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा क्या लगा आपको? देखो, सबसे अच्छा बेहतर तो हुआ ठोको नीति, सबसे बढ़िया। दूसरा, योगी जी ने जो काम किया है, काम जो है दबंगई से किया है, और यहाँ की गुंडागर्दी भी खत्म करी है। यहाँ पे इस लोहिया पार्क में बहुत गुंडा होती थी। आप बताइए सर, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, कौन आएगा उत्तर प्रदेश में, और क्या बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में? हाँ देखो, मैं पहले तो आपको बता दूँ जो मुझे लगता है, जो दिखाई भी देता है, आप भी मीडिया में हैं और देखते हैं कि एक तो जो कानून व्यवस्था की थोड़ा जो बेहतरी हुई है, दूसरा बिजली का जो एक थोड़ा सा वो अच्छा हुआ है, जो काफ़ी हाई वोल्टेज, मतलब सही वोल्टेज में प्रॉपर देहात की लाइन अलग कर दी इन्होंने, किसानों को बिजली मिलना और सबको मिलना। तीसरा, सड़कों का विकास, जब ये तीन चीज़ें होती हैं, और भ्रष्टाचार जो है वो भी कम हुआ है, तो जब इस और इंस्पेक्टर राज में भी कमी आई है, कि जैसे मैं अभी कई चीज़ बताऊंगा, आप कोई कहीं घर बैठे कई काम हो जाते हैं जो आप पहले चक्कर काटते थे ऑफिसों पे, तो जब ये चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है मतलब आकर्षित होती हैं लगाने के, निवेश करने के लिए। जब ये निवेश करना चाहेंगी तो वहाँ पे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और वहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें करने के लिए 5 साल पर्याप्त नहीं होते हैं, तो मेरा मानना यही है कि इनको एक मौका और मिलना चाहिए, ताकि मतलब जो है ये उत्तर प्रदेश वो आगे बढ़ सके। इनको देखना चाहते हैं एक बार फिर से। ये लोगों का कहना है कि एक मौका और मिलना चाहिए, और फिर से एक बार योगी मोदी सरकार जो है आना चाहिए यूपी में।